आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुषमा सिंह। ग्राम श्रीकंठपुर आज यहाँ कहाँ आना हुआ भाजी आपका यहाँ पर आए थे सात दंगा दिए गए थे दंगा सुन नहीं इसलिए हमने आए क्या मामला है आपका मामला क्या है किस लिए मामला है चार दिन हमको तो ही आवास मिला था रहने के लिए कहा जबरदस्ती हमारा मकान दखल किया है तो हटा रही हमको भगा रही है तो हमें नहीं दे रही है अपना नाम बताइए। माला पांडे। आज किस लिए आप आई हुई हैं एसएसपी ऑफिस? हाँ बाबूजी को लेकर एसएसपी के यहाँ दरखास्त लगाने लायक थे। क्या मामला है? वो एक घर है आवास मिला था पापा जी को। कैसा आवास मिला था? इंदिरा आवास। कहाँ पे मिला हुआ था? सिरकंठपुर थाना चावलपुर। और वो 2006 में मिला था क्योंकि बीच में हम थे नहीं यहाँ पे तो पापा वहीं रहते थे उसी दौरान वो आई थी वहीं रहती थी और उसे बहला फुकला कर वो कब्जा कर ली है। कौन कब्जा किया हुआ है? गुड़िया। कौन गुड़िया है इनकी? गुड़िया वर्मा। ये कौन है गुड़िया वर्मा? कौन है ये? बगल की कोई कहारिन है उनको तो हम भी ठीक से नहीं जानते। क्या वो जबरन? हाँ उसी में रह रही है। कितने साल हो गए उनको? 3 साल से रह रही है। इससे कितने साल पहले आपने आवेदन किया था थाने पर? 3 साल पहले ही आवेदन किए थे। तब से कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं है कि एक तरफा ही सुनवाई हुआ है जो कि खाली सिर्फ उनका ही बयान लिया गया है उन्हीं का गवाह लिया गया है। इनको थाना या चौक यहाँ पर कचहरी में कहीं भी इनका गवाह का कोई वो ही नहीं हुआ मान्य ही नहीं हुआ मतलब ये बुलाया ही नहीं गया इनको मतलब आए या कोई बात बोले या अपना बात रखे ऐसा कोई बात नहीं हुआ। कप्तान साहब के यहाँ किससे बात हुई आज? साथ बाबू जी गए थे बातचीत हुई क्या निष्कर्ष निकला कुछ उन्होंने? अभी भी वही बात की चलिए हम उसका इंक्वायरी पहले भी वैसे ही मतलब कम से कम 50 बार यहाँ पर एप्लीकेशन दे चुके हैं हम 50 बार ला भी चुके हैं इनको कोई सुनवाई नहीं हुआ है बस यही कहते हैं कि चलिए उसका इंक्वायरी बैठाएंगे लेकिन अभी तक इंक्वायरी भी नहीं बैठा और लॉकडाउन में ही वो घर पर घुस गई उसमें सामान वगैरह बहुत कुछ था वो भी हमें नहीं मिला। पुलिस 100 नंबर में डायल भी किए थे कॉल भी किए थे वहाँ गए भी थे तब लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि देखिए वो यहाँ रह रही है उनका रजिस्ट्री है इसलिए वो रहे और जो कि वो लोहिया आवास है उसकी रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती है जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है सरकारी रजिस्ट्री तो नहीं हो सकती है ना। आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।